आपको मैं बताता चलूँ, ये वो जगह है जो सरकार के तवसुत से पहले मुझे ख्वाब में दिखाई जा चुकी है। शायद यही वो जगह है कि जो मुझे खुद की तरफ खींचा करती थी, और आज आखिरकार मैं इस जगह पे आ पहुंचा। आई एम रियली सो हैप्पी। आपके सामने त्रय सिंह के दोनों ब्रिजेस का मंजर, जगह जहां पर हजरत लाल शहबाज कलंदर ने 12 साल रात को बैठ के इबादत की। इसकी बाईं ओर एक बहुत बड़ा कुआं है कि जिससे आप पानी भरा करते थे। 12 साल का एक तवील अरसा आपने यहाँ पे यूं समझ लीजिए कि चिल्ले की शक्ल में काटा। ये मुकद्दस जगह, ये चबूतरा जो आपके सामने नज़र आ रहा है, ये उस वक्त का कुआं है। इस वक्त पक्का करके इसमें सीढ़ियाँ उतारती गई हैं, लेकिन आज भी इसके नीचे अगर मैं आपको दिखा पाया तो पुराना कुआं नज़र आता है कि जहाँ हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने इबादत की थी। नीचे पानी नजर आ रहा है आपको। ये बाबा सैयद सदरुद्दीन शाह की दरगाह। इस सरकार शरीफ के बारे में आपका थोड़ा पस मंजर बताता चलूँ कि यहाँ के बारे में मशहूर है कि कोई भी पल्ला मछली, बड़ी मशहूर मछली है हैदराबाद सखर की, इससे आगे के इलाके में वो नहीं मिलती। और जब वो समंदर से आती है तो अपने पैर की कपल की शक्ल में इस दरगाह पे सलाम करने की नीयत से हाजिर होती है। और जिस बैंक पे हम खड़े थे, जिस किनारे पे हम खड़े थे दरिया के, वहाँ पे आके सलाम करके तो उल्टे पाँव वापस जाती है, फिर जाल में फंसती है। हमारी खुशबख्ती के इस वक्त हम हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा अमर बिन हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार अक़दस पे हाजिर है। ये जगह सखर से 10-15 किलोमीटर बाहर शिकारपुर वाली सड़क पे वाकई ये कब्रिस्तान पे है, और यहाँ की मुस्तनद रवायात ये चीज़ साबित है कि ये यहाँ पर 3 असाबा तशरीफ फरमाए। तहकीक करने पे आप हज़रत अमर बिन हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में तो डिटेल में और सबूत के साथ चीज़ें मिली हैं, लेकिन चूँकि सहाबा के मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी शुबे के कायल नहीं, तो दूसरे मज़ारात पे भी हम हाजिर रहते हैं। एक ही बिल्कुल साइड में जो हल्का सा निशान नज़र आ रहा है, यहाँ के मुकामी लोगों को बकौल यहाँ पे सरकार के सहाबा तशरीफ फरमा। ये हज़रत मुआज्जन रदी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पर नूर है। वेल जी, इस वक्त हम एशिया के सबसे बड़े और सबसे मुस्तनद बैराज सखर बैराज के सामने से गुजर रहे हैं। ये आर्किटेक्चर का एक इंतहाई खूबसूरत शाहकार है, तमाम का तमाम डॉट्स के ऊपर बनाया गया है। जब कभी यहाँ पे फ्लड आता है, सैलाब आता है, तो ये आपके सामने जो यहाँ पे डॉट्स नज़र आ रही हैं, जो आज नज़र आ रही हैं, सभी के सभी पानी से फुल हो जाते हैं। अभी ये देखेंगे 1.5 किलोमीटर की लंबाई तक ये 2 साल पहले एक सानिया हो जाने वाला था यहाँ पे, कि इसमें कंपन पैदा हो गया था और ये लड़कना शुरू हो गया था, लेकिन बर वक्त इसका क्योर कर लिया गया। नहीं तो कहा जाता है कि अगर सखर बैराज टूट जाता, बह जाता खुदा ना खास्ता, इसका पानी तो पूरे का पूरा सिंध जो है वो सहरा बन जाता है। मोटरसाइकिल सवार ज़्यादा दिख रहा है, इसके पीछे एक आपको बारीक टीम नज़र आ रही है, ये ट्रेन का ट्रैक है। इन चारों जानब से इसी तरह टॉर्च की शक्ल में बनाया गया है कि इंतहाई खूबसूरत तामीराती शाहकार। अभी हम सखर बैराज के ऊपर से यहाँ से लेफ्ट साइड पर चले जाएंगे और झूठा तजिल का रास्ता लेते हुए सांगड़ की तरफ रवाना हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग, एक दफ़ा आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हम रोहड़ी से तकरीबन 100 किलोमीटर
ईस्ट की तरफ चले जा रहे हैं, हमारे सामने रेगिस्तान का इलाका शुरू हो चुका है। और आपको मैं बताता चलूँ कि इस वक्त हमारी गाड़ी को हम कलंदरी ड्राइव कर रहे हैं और इस वक्त हम कलंदरी कश्ती में बैठे हुए हैं। हमारे शहर सरकार की तस्वीर दरवाजा पार्क और ये कलंदरी कश्ती के अंदरूनी मनाजर आपको मैं दिखा रहा हूँ। चूँकि इस वक्त जहाँ से फेरी हमेशा से कमज़ोरी रहा है और सिंध की सकाफत में, सिंध के ट्रेडिशन में यहाँ की ये डेजर्ट यहाँ का खास है, तो मैं चाह रहा था कि आप खूबसूरत जर्नी को हमारे साथ ज्वाइन करें। जो जो हमारे सामने खूबसूरत और नीलगो आसमान और उसके साथ बुलंदो बाला रेत टीले चलते जाएंगे, तो हम आपके साथ अपना सफर जारी रखेंगे। रेगिस्तानी फीलों के देखिए आपके सिंध की सांगड़ की हर की सबसे मशहूर कैनाल नारा कैनाल, इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँगा। यहाँ के रवायती लोग, यहाँ के मुकामी लोग ये कहते हैं कि किसी दौर में एक बहुत बड़ा नाग, बहुत बड़ा सांप बल खाता हुआ यहाँ से गुजरा था और उसकी जगह पे फिर पानी आ गया। और इस बात को तो मैं इस हद तक हकीकत मानूंगा कि मैंने बहुत दूर तक इसके साथ सफ़र किया है। नारा के नाल सीधे रुख पे सफ़र नहीं करती है, जैसे सांप बल खाता है इसी तरह ये भी बल खाती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे अच्छी फिश, जिसको यहाँ की मुकामी ज़ुबान में कुरड़ा कहा जाता है, इसी नहर में पाई जाती है। देखने में ये नहर है, इससे आगे नहर के साथ चलते चलते पाक चाइना एग्रीमेंट के तहत एक हेड जमड़ाऊ बनाया गया, जहाँ इसमें से इसी के लेवल की सात बड़ी। थोड़ी देर को हम नारे से ओझल हो गए, हमारी लेफ्ट साइड पे नारा आ रहा है और हम आगे लाल पुल नामी एक मशहूर जगह से नारे को क्रॉस करेंगे। तो मैं बता रहा था कि हेड जमड़ाऊ से नारे के बराबर की सात नहरें निकलती हैं, जिनमें से कुछ के नाम तो मुझे ज़ुबानी आते हैं। एक खिप्रू, वान, मीरवा, दो जमड़ाऊ, एक नारा कैनाल और एक रांडा, ये छः कैनाल्स के नाम मुझे ज़ुबानी आते हैं। अभी जब हम लाल पुल को क्रॉस करेंगे तो आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि दाएँ बाएँ जितना भी इलाका सांगड़ तक आपको 300 किलोमीटर के करीब जितना भी इलाका नज़र आ रहा है, ये पीर पगाड़ा साहब के ज़ेरे असर है, यहाँ पर उनके मुरीदैन की खासी तादाद है। अगर हम इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब घूम रहे हैं, हमारी बिल्कुल बैक पे एक किलोमीटर चले जाया जाए तो वहाँ पर रेंजर्स तैनात हैं और हमें बताया गया अभी अभी कि वहाँ पर वो एक आईडी कार्ड चेक करते हैं, तलाशी लेते हैं और उधर जाने का मकसद पूछते हैं। और बिल्कुल सामने तकरीबन ये 5-7 किलोमीटर के फासले पे लेफ्ट साइड पे हमारे इंडिया ही चला जा रहा है, तो इसलिए ये इसका ये से बड़ा हसास इलाका भी है, तो हमें बड़े एहतियात से यहाँ चलना है। वेल आपको ज्वाइन करते हैं। अगर हम जिस इलाके से गुजर रहे हैं इसको चूंटा कहा जाता है हिंदुओं का, ये इस सिंध में अंदरून सिंध में ये शहर मरकज समझा जाता है। मोर देन 80% यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी पाई जाती है। सांगड़ में, दादू में, खैरपुर में जितने भी उमरा हिंदू और जिनको यहाँ की मुकामी ज़ुबान में वानियाँ बोला जाता है, आज भी उनके बंगले यहाँ पे पाए जाते हैं आपके सामने। और सबसे हैरानगी की बात आपको मैं बताऊँ यहाँ पे कि टेली कम्युनिकेशन वालों ने यहाँ पे इतनी तरक्की की है, यहाँ पे 5-7 इनके टावर्स हैं और यहाँ पे तकरीबन सब नेटवर्क्स के सिग्नल जो है फुल हैं। इंडिया का बॉर्डर बिल्कुल करीब है, यहाँ पे भी जो आके पता चला कि यहाँ पे छावनी भी बनाई जा रही है, नई सड़कें भी बनाई जा रही हैं। ये आपके सामने यहाँ पे सुई गैस की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। वेल, इतने बैकवर्ड इलाके में इतनी तरक्की हैरान कौन है।